सवेरे उठने के लिए ना, तो उनको थोड़ा सा और सोना है या कुछ और चीजें हो सकती है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गॉड। सो ये सारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने काम है और इसलिए लोग सभा में जाते नहीं। मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ क्रिश्चियन इलाका है और मैं हाल ही में बात कर रहा था किसी के साथ, तो मैंने उनसे कहा ये सारे लोग यदि सभा में जाए तो वो सभा जो जहां पर भर्ती है उनका, वहां पर उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कई बार देखा लोग उठते आराम से वहां पर जाते नहीं है, अपने अपने काम करते हैं, कुछ लोग रास्ते पे बैठे रहते हैं, कुछ लोग अपना टिफिन लेके काम पे निकलते हैं, तो कुछ लोग झगड़ा करते हैं क्योंकि अलग 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 उनके कारण है और इस कारण वो लोग नहीं जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज महत्वपूर्ण है, मेरा सोना ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक चीज। और लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ महत्वपूर्ण नहीं, ना आपकी नींद, ना आपका काम, ना आपका बिजनेस, ना एंगेजमेंट, ना शादी, ना कोई भी ऐसी संसारिक चीज जो आपको दी गई है भुगतने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, वो चीज आपके लिए परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। यदि परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम है तो ये दुखी बात दिल वाचा सब तरफ जाओ, किधर भी जाओ, बहुत सारे लोग आपको ऐसे इसी प्रकार से दिखाई देंगे। उनको समय है तो वो लोग सभा में आते हैं, समय नहीं है वो लोग जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब आप उसके आराधक हो जिसको आप ज्यादा स्थान देते हैं। हालेलुया, आपकी नौकरी जो है उसके कारण यदि आप सभा में नहीं जा पाते, या बिजनेस के कारण हो, या आपके परिवार या रिश्तेदार या शादी जो भी, उसके कारण यदि आप सभा में नहीं जाते हो, वो आपका भगवान और आप उसके आराधक हो। ये सच्चाई, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि जॉब ये हो सब, लेकिन पवित्र शास्त्र में सारी चीज लिखी है, जिसके लिए आप समय देते हो, जिसके लिए आपका कीमती समय आप देते हो, जिसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगाते हो, वही आपका भगवान। आप बोलते हो कि यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, लेकिन ये झूठ बात है। आपके कामों में से याकूब बोलते हैं, आपके कामों में से पता चलता है कि आप किसके आराधक हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीमार होने के बाद दवाखाने में नहीं जाते, दवाखाने में चार घंटा भी अपॉइंटमेंट रहे तो भी बैठते हो, लेकिन फिर प्रार्थना में आने के लिए नहीं होता है। और हम इसका मतलब वो विश्वास नहीं करते दिल से कि प्रभु हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग मेरे दिन में कई बार नए लोग जो आते हैं प्रार्थना में, मेरे एक बार मैंने लास्ट दो संडे पहले बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना की, उसको बहुत बुखार था और मेरे पास लेकर आया था प्रार्थना को, जैसे बुखार है वैसा ही वो लोग इधर सभा में उसको लेके आए और वो लड़की चंगी हो चंगा ही नहीं। जब हम विश्वास से आते हो, विश्वास करते हो परमेश्वर कि प्रभु हमारे लिए संभव कर सकता है, तो प्रभु जरूर आपके विश्वास के अनुसार संभव करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप आज यहाँ पर हो परमेश्वर।